अभी हम लोग जाने वाले हैं सबसे नीचे, और उसके लिए हमको चाहिए लिफ्ट, और लिफ्ट मिलेगा हमें किससे? डंपर से। तो किसी डंपर वाले को रोकते हैं और फिर चलेंगे नीचे। अब देखते हैं लिफ्ट मिलता है कि नहीं हम लोगों को। आज भी बहुत धूप है यार। चल चल। आज हम लोग पहली बार हाईवे में बैठे हुए हैं और बहुत मज़ा आ रहा है। एक अलग ही अनुभव है हमारे लिए। अगर मेरी कार होती तो साला इसको तो चक्का के बराबर भी नहीं होती। तो ये सब अलग टाइप का जो एक्सपीरियंस है माइनिंग वाले फील्ड में मिलेगा। मिलेंगे हाँ। ऐसे तो अगर आप हाईवे पे अगर रोड पे खड़े होके भी अगर लिफ्ट मांगो तो कोई आपको लिफ्ट देने वाला है नहीं, वो डकैत समझेंगे। अच्छा वो बड़ा वाला गाड़ी भी देता है क्या हॉल पे? हाँ हॉल पे। हाँ हॉल पे देगा लिफ्ट दे देता है। अरे यार एक बार अच्छा ठीक है अगली बार उससे लिफ्ट मांगा जाएगा। हाँ रोक देता उसमें कार बढ़िया है। उसमें तो बैठने का जगह तो नहीं रहता, खड़ा भी जाना ना। हर जगह अंदर में देखने में छोटा लगता है। हाँ, हमको जगह ही नहीं। एक सीट यहाँ ड्राइवर का, उसके बगल में एक सीट है बैठने का, फिर आज जगह भी पीछे। देखिए जो चला रहा है ना उनके बगल में देखिए, इधर से देखिए दाहिने बाएं साइड में जगह है, वहाँ बैठने का सीट लगा हुआ है। नहीं हम लोग तो चलाए 20 करोड़ और 36 करोड़ का मशीन चलाए हैं। 36 करोड़ का राजस्थान में चलाए। ये बस 4 करोड़ का है? ये 4 करोड़ का, 4.5 राजस्थान से। तो फिर आप ऑडी BMW क्यों नहीं ले लेते हैं? नहीं तो 4 करोड़ का गाड़ी रखे है हमारा, आप ये नहीं कि ऑडी या BMW ले लें। चला रहे तब तक मेरे अंडर में है। अभी वो कौन हीरो है जो गाड़ी लिया है? लैम्बोर्गिनी लिया है ना वो? कार्तिक आर्यन। कार्तिक आर्यन उसका 6 करोड़ का है। 3 महीना इंतजार करना पड़ता गाड़ी के लिए और आपके पास 4 करोड़ का गाड़ी है। तो ये है हाइड्रोलिक शॉवल। इस बकेट का जो कैपेसिटी है वो 10 टन है। और इसके अगर बकेट देखेंगे आप, हाथी के दांत डायनासोर, इसमें आराम से आदमी सो सकता है। मतलब इतना इसका बड़ा है कि बकेट का तो साइज है, इसमें इंसान सो सकता है आराम से। मेरे से इंसान तो यहाँ पे मस्त पिकनिक मनाया भाई। बस चक के पीछे आप देख रहे होंगे, बाबा जाइंट मशीन है ये। एक बार चलाने देते ना भैया, सिखा देते तो हम लोग यही ज्वाइन कर लेते। चले हो डिजायर में चले हो बेटा, वोल्वो चलाना है क्या? खराब है भैया, नहीं सीख पाएंगे उसको। नहीं ना अभी टाइम लगेगा, ओवरमैन बनो तब। जब 4 करोड़ रुपया गाड़ी का दाम है तो भाड़ा भी तो बहुत लगेगा ना सिखाने का। दो ठीक है, जैसे ही पॉसिबल हो पाता हम लोग ऊपर से परमिशन अलाउ कराते हैं। और इसके बाद फिर ये गाड़ी भी सीख के, और लेकिन पता कोई मतलब नहीं है भाई, रोड पे लेकर निकल नहीं सकते ना। इससे भी आप चला रहे गाड़ी 20 साल हो गए आपके? 20 साल इतनी मेरी उम्र है ना, उससे 7 साल कम 6 साल कम बस इनकी ड्राइविंग स्किल है, एक्सपीरियंस है। कोई बात नहीं, ठीक है भैया चलिए, टाइम देने के लिए धन्यवाद। भाई सीट गायब कर दिया है। बंद करो सीट ही गायब कर दिया सुन हमने, ठीक है ना? हाँ हाँ एकदम एकदम, इतना दूरी है। 240 FPS गया। एक बैटरी होता है कि चार्ज होता है? और ये बैटरी है। तो अभी ब्लास्टिंग हुई है, और ब्लास्टिंग होने के बाद धुआं हटने का कुछ देर वेट किया जाता है, और जब धुआं हट जाता है तो फिर जो बाकी की जो मशीनरी है उन्हें वर्किंग प्लेस पे ले जाया जाता है, क्योंकि ब्लास्टिंग के टाइम इन मशीनों को वहां से हटाना बहुत ज़रूरी है, वरना फिर मशीनों को डैमेज हो सकता है
तो मशीनों को हटाने में टाइम भी वेस्ट होता है, वापस से उसे वर्किंग प्लेस में ले जाने पे, फिर धुआं हटने का वेट, और उससे पहले मशीनों को रोकना पड़ता है क्योंकि ब्लास्टिंग के टाइम कोई भी मशीनों का जो काम मतलब जो चलन है उन्हें रोकना पड़ता है, सारी मशीनें बंद रहती हैं। इसके बाद फिर ब्लास्टिंग के बाद हम काम चालू करते हैं, जो हमारी जो हाइड्रोलिक शॉवेल है वो ओबी या फिर जो कोयला है उसे उठा के डंपर में लोड करती है, और फिर जो डंपर है वो कोयले को या ओवरबर्डन को ले जाके डंप करता है जहाँ पे डंपिंग बनाया जाता है। तो अगर ओवरबर्डन का डंपिंग है तो जो आपको पहाड़ दिखता होगा अगल बगल, आपके लिए तो पहाड़ ही है, तो उस पहाड़ पे ले जाके इसे डंप किया जाता है। इसके बाद फिर यही ब्लास्टिंग होती है और ये सारी प्रोसेस रिपीट होते हैं, 24 घंटे काम चलता रहता है शिफ्ट में। तो माइनिंग इजी नहीं है यार, माइनिंग बहुत डिफ़िकल्ट काम है और इसमें बहुत सारा पैसा लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है। उसके बाद तो भले ही आपको मेरा चेहरा स्माइल करते हुए नज़र आ रहा हो इस वीडियो में, क्योंकि मेरे लिए तो सिर्फ एक दिन या दो दिन की बात थी माइन विज़िट, लेकिन जो वर्कर काम करते हैं उनको इतनी धूप गर्मी धूल में काम करना रहता है तो उनको स्माइल नहीं आती भाई, उनको बस वर्कलोड का टेंशन रहता है। तो तुम भी माइनिंग किए हो क्या मेरी तरह, सॉरी हमारी तरह? हम भी माइनिंग किए थे, हम भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओ। तो इस तरीके से जो माइनिंग का काम है उसमें फ़ायदे तो हैं बहुत सारे और नुकसान भी हैं। फ़ायदा ये है कि कंपनी को प्रॉफिट होता है, कंपनी को प्रॉफिट होता है तो हमें भी प्रॉफिट होता है, मतलब गवर्नमेंट को उससे रेवेन्यू जनरेट होता है, और रेवेन्यू जनरेट होता है तो हमारी इकॉनमी मजबूत होती है, और नेचुरल रिसोर्स है तो हमें इसे निकालना ही है, आज नहीं तो कल हम इसे एक्सट्रैक्ट करेंगे ही। लेकिन दिक्कत ये है कि कोयले निकालने के बाद जो पोल्यूशन होता है, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है। एक्ट रूल कहता है कि अगल बगल पेड़ लगाना है, ग्रीनरी करना है ताकि पोल्यूशन कंट्रोल रहे, वाटर स्प्रिंकलिंग करना है ताकि डस्ट ना उड़े, लेकिन ये चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से कहीं कहीं फॉलो की जाती है, कहीं कहीं फॉलो नहीं की जाती है। और तो और एक नुकसान ये भी है कि सब्सिडेंस होने लगता है, आसपास की जो एरिया है वो दबने लगती है, मतलब माइनिंग के कारण। और माइनिंग के कारण एक प्रॉब्लम ये भी है कि लैंड जो है वो हमारी वेस्ट हो जाती है पूरी तरीके से, और अगर उसको हम रिक्लेम करते हैं, रिक्लेमेशन करते हैं तो बेनिफिट है कि चलो कम से कम हमारी जो लैंड है वो तो हमें वापस मिल जाती है, लेकिन कहीं कहीं ये भी देखा जाता है कि जो लैंड रिक्लेमेशन का काम है वो पूरे अच्छे तरीके से नहीं किया जाता है। तो माइनिंग के फ़ायदे तो हैं और नुकसान भी बहुत सारे हैं, रिस्क भी है, मतलब जो वहाँ वर्कर जो काम करते हैं उनके लिए भी रिस्क है, 10% ज़्यादा ही रिस्क है बाकी के कामों में। तो खैर चलिए, आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।